चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड बाय एपीजे अब्दुल कलाम। पैराग्राफ 4 तक हो चुका था, पैराग्राफ 5 से बाकी था। ठीक है, हमने आगे क्या देखा था, एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके फादर एकदम स्ट्रिक्ट है, तो उनके अंदर जो सारे शिस्त वगैरह आए हैं वो उनके फादर से मिले हैं। ठीक है, काइंड हार्ट कहाँ से मिला है, उनकी मदर से मिला है। ठीक है ना, वो रोज इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाती ही थी। ठीक है, दो फ्रेंड्स थे उनके, कौन कौन, अरविंद डन एंड शिव प्रकाशन। ठीक है, हाँ चलो फिर पैराग्राफ नंबर 5। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोर्ड्स विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। ठीक है, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर आर हाउस। वहां पे केरला में एक सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी, उसमें क्या किया जाता था, बोट के अंदर गॉड और गॉडेसेस के आइडल्स रखकर मंदिर तक लेके जाते थे, और मंदिर कहाँ था, पोंड के बीच में, तो बोट्स में रख के जाते थे। वो बोट्स कौन सजाता था, इसकी फैमिली सजाती थी, अब्दुल कलाम की फैमिली। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वेर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आर फैमिली। ये लोग रिलीजन से मुस्लिम थे, फिर भी रामायण और महाभारत की स्टोरीज उसकी मदर और ग्रैंड मदर उन्हें सुनाती थी। वन डे वेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरन एलिमेंटरी स्कूल अ न्यू टीचर केम टू आर क्लास। आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। पहनते हैं ना मुस्लिम, देखो यहाँ पे फोटो में भी दिखाया गया है ना? नाउ एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री, उनका जो फ्रेंड था उसके साथ वो फर्स्ट रो में ही बैठता था। हु वोर द सेक्रेट थ्रेड, सेक्रेट थ्रेड मतलब जो जनोई पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। पुराने जो टीचर थे उन सबको पता था कि हिंदू मुस्लिम इनका ऐसा इनके घरों में कुछ नहीं है। ठीक है, रामानंदन के फादर प्रीस्ट थे, फिर भी उन्हें अब्दुल कलाम से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो ऐसा मानते ही नहीं थे। हाँ, अपना धर्म हिंदू निभाएंगे, पर कोई मुस्लिम है तो उसके साथ दुश्मनी रखना ये वगैरह कुछ उसके लिए नहीं था। और पहले के टीचर्स को भी सबको पता था कि साथ में बैठते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 5th स्टैंडर्ड में आए अब्दुल कलाम, नए टीचर आए, उन्होंने देखा कि एक हिंदू प्रीस्ट का बेटा मुस्लिम बॉय के साथ कैसे बैठ सकता है। कुड नॉट स्टमक मतलब कुड नॉट टॉलरेट, मतलब उन्हें विश्वास नहीं हुआ, उन्हें अच्छा नहीं लगा। इन अकॉर्डेंस विथ आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सो इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच। उन्होंने कैसे रैंकिंग की, सोशल रैंकिंग मतलब कि हाई कास्ट वाले आगे बैठेंगे, लो कास्ट वाले पीछे बैठेंगे, तो उस हिसाब से कहाँ बैठना पड़ा अब्दुल कलाम को, बैक बेंच मतलब पीछे की लास्ट की बेंच में बैठना पड़ा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री, फ्रेंड को भी अच्छा नहीं लगा। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट मतलब सैड और डिप्रेस, अटरली डाउन कास्ट मतलब बहुत दुखी लग रहा था। एंड सो डिड ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू My seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. वो रोने जैसा हो गया था, अपने फ्रेंड से जुदा नहीं होना चाहता था। After school, we went home and told our respective parents about the incident. घर जाकर सबने अपने अपने पेरेंट्स से बात की। लक्ष्मणा शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. जो प्रीस्ट थे, ठीक है, मतलब उसके फ्रेंड के फादर कौन थे, लक्ष्मणा शास्त्री, वो स्कूल पे आए, समोन द टीचर, टीचर को हमारे सामने ही बोला कि इन छोटे छोटे इनोसेंट बच्चों के माइंड में आपको ऐसा रिलीजियस का जहर भरना नहीं चाहिए।
He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. या तो सबसे माफी मांगो या तो स्कूल और ये पूरा आइलैंड ही छोड़कर चले जाओ. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. Conviction मतलब a strong opinion or belief. ठीक है, टीचर के माइंड में जो स्ट्रांग बिलीफ था कि रिलीजियस के हिसाब से रहना चाहिए, लक्ष्मणा शास्त्री ने ऐसे डाटा टीचर को, इतना बोला कि उसके माइंड से वो जो माइंड सेट था उनका वो ही साफ हो गया. ठीक है. ऑन द वॉल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप. जहाँ पे लक्ष्मणा शास्त्री की सोच ऐसी थी, प्रीस्ट थे फिर भी ऐसी सोच थी कि सारे रिलीजियस के लोगों को एक साथ रहना चाहिए, बट छोटे से गांव रामेश्वरम जो छोटा सा विलेज था, सब लोगों की ऐसी सोच नहीं थी. सब लोग स्ट्रॉन्ग रिलीजियस में बिहेव करते थे. हावेवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मीन विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वॉज समथिंग ऑफ अ रेबेल. मेरे जो साइंस के टीचर थे ना, शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो एकदम स्ट्रॉन्ग ब्राह्मीन थे. उसकी वाइफ कैसे थी स्ट्रॉन्गली रिलीजियस में बिलीव करने वाली, पर ये जो मेरे टीचर थे रेबेल, मतलब अपनी वाइफ से पूरा उल्टा था. जैसे प्रीस्ट लक्ष्मणा शास्त्री का बिलीव थी ना, वैसा ही उनके साइंस टीचर का था कि सारे रिलीजियस के लोगों को एक साथ ही रहना चाहिए. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने बहुत ट्राई की कि ये जो सोशल बैरियर, मतलब लोगों के बीच में रिलीजन के जो बैरियर है ना, उसे तोड़ देना चाहिए, ताकि सारे लोग अपने अपने जो सोच है उसमें आगे बढ़ सके. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वो मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे और मुझे ऐसा कहते थे कि कलाम तुम्हें आगे पढ़कर इतना आगे बढ़ना है कि ये जो छोटा सा गांव है जो रिलीजियस से मानने वाला है ना, वहां से बहुत आगे निकल जाना है बिग सिटी में, जहां पे रिलीजन के लिए किसी को कोई जगह ही नहीं है, कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है. सब कि आपका एजुकेशन कितना है सिर्फ ये ही लोग सोचते हैं. वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, घर पर बुलाया खाने के लिए. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. Wife को अच्छा नहीं लगा, ब्राह्मीन थे तो रिचुअली प्योर किचन था, उसमें एक मुस्लिम बॉय आके बैठे और खाना खाए, वो उसे अच्छा नहीं लगा. She refused to serve me in her kitchen. रिफ्यूज कर दिया कि मेरे किचन में मैं उन्हें खाना नहीं परोसूंगी. शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed. Nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. ठीक है, उन्हें सुब्रमण्यम को अपनी वाइफ के इन बातों से कुछ बुरा भी नहीं लगा, उन्होंने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया, खुद खड़े होकर मुझे खाना परोसा और मेरे बाजू में ही खाना खाने के लिए बैठ गई. His wife watched us from behind the kitchen door. किचन के पीछे दरवाजे से हमें देख रही थी. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. मैं सोच रहा था कि उन्हें मैंने खाने से या मेरे पानी पीने के तरीके से या तो खाना खाने के बाद मैंने जो फ्लोर साफ किया, तरीकों से कुछ अलग लगा. मेरा भी तरीका वैसा ही था जैसे उनके प्योर ब्राह्मीन हस्बैंड का था. ठीक है. When I was leaving his house, Shiv Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next week. जा रहा था फिर से, उनके टीचर ने बोला कि अगेन नेक्स्ट वीकेंड फिर से मेरे साथ खाना खाने आना. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. मैं हेजिटेट हो रहा था, उनकी वाइफ को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि तुम्हें हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, जब तुम कोई सिस्टम को चेंज करना चाहो ना,
तब ऐसी चीज है तुम्हारी रुकावट बनना, कन्फ्रंटेशन रुकावट बनना क्या है वो क्या बोलते हैं कि नॉर्मली है, ऐसा तो होगा ही, ठीक है। When I visited his house the next week, Shiv Subramanya Iyer's wife looked me inside her kitchen and served me food with her own hands. जब नेक्स्ट वीकेंड में वापस गया तो उन्होंने उनकी वाइफ ने खुद मुझे खाना परोसा। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Second World War खत्म हो गया, अब लोगों को लग रहा था कि अब तो हमें फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम मिल ही जाएगी। Indians will build their own India. अपना खुद का इंडिया हम बनाएंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रिडिकेटेड ऑप्टिमिज्म, सबके अंदर एक जुनून आ गया था। आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। मैंने फादर से परमिशन ली कि रामेश्वरम छोड़कर मैं हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकता हूँ। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग Aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? उनके फादर ने क्या कहा, मुझे पता है कि तुम हायर स्टडीज के लिए ग्रो होने के लिए यहां से दूर जाना चाहते हो। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? Seagull मतलब छोटा सा पक्षी है, उसे अपना नेस्ट छोड़कर पूरे सन के अराउंड घूमकर क्या नहीं आना चाहिए, मतलब छोटी सी जगह को छोड़कर आपको स्प्रेड होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। उनकी वैसी ही सोच थी कि बच्चों को घर में बिठा के मत रखो, अगर वो अपने ग्रोथ के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो जान दो, ठीक है। ही क्वोटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर, ही कोटेड खलील गिब्रन, खलील गिब्रन की एक क्वोट था, वो मेरी मदर को उन्होंने सुनाया क्योंकि उनकी मदर हेजिटेट कर रही थी, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो खलील गिब्रन का एक क्वोट सुनाया कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं है, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, वो जिंदगी के खुद के डॉटर और सन है। कोई किसकी जिंदगी के, अपनी खुद की जिंदगी के, मतलब कि आप अपनी खुद की जिंदगी में जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, आप अपनी खुद की लाइफ के डॉटर और सन हो, ठीक है। दे केम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, दे केम थ्रू यू, आपकी वजह से वो दुनिया में आए हैं, बट फ्रॉम यू आप में से नहीं आए, ठीक है। मतलब कि आप जैसे ही बिल्कुल वो होना चाहिए ऐसा नहीं है, सिर्फ आपके लिए ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, आपकी वजह से वो दुनिया में आए हैं, बट आप में से दुनिया में नहीं आए। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, आपको उसे अपना प्यार देना चाहिए बट आपके विचार नहीं, उनके खुद के विचार होने चाहिए। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके अपने विचार उनके होने, ठीक है। नाउ पोएम, नो मैन आर फॉरेन, हैव यू एवर, चैप्टर के पीछे की जो पोएम है वो नो मैन आर फॉरेन, पेज नंबर 18। Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? आपने अगर किसी लोगों के बारे में ऐसा आपको लगा है कि वो बहुत स्ट्रेंज है या तो दूसरी कंट्रीज के आए हैं तो उसे आप फॉरेनर बोलते हैं, ठीक है। We have many ways of thinking of other people as different from us as them, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी वजह होती है कि जिसकी वजह से हमें दूसरे लोग हमसे बहुत अलग रखते हैं, चाहे हमारी कंट्री के ही हो पर हमसे बहुत अलग लगते हैं वो, हमें हमारे पड़ोसी ही क्यों ना हो, हमें लगते हैं ना कि वो हमसे बहुत अलग है, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक घर की जो रहने की आदतें होती है वो सेम नहीं होती है, ठीक है। दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज,
In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. तो इस पोएम में वो सही दिया गया है, चाहे लोग अदर कंट्रीज से बिलोंग करते हो, चाहे उनकी लैंग्वेजेस अलग हो, चाहे उनका खाना पीना अलग हो, चाहे उनके कपड़े पहनने के तरीके अलग हो, फिर भी हम सब एक जैसे ही है, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं। ठीक है, तो इस पोएम में पोएट ने इसी के बारे में लिखा है, रिमेम्बर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेयर लाइफ। रिमेम्बर नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखो कि कोई भी लोग आपसे अलग नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई कंट्री को आप फॉरेन क्यों बोलते हैं? हाँ, बाद में बोलते हैं, बट वैसे वो अलग नहीं है। कैसे? बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स मतलब सबके कपड़े पहनने के तरीके अलग होते हैं ना। ठीक है, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, चाहे यूनिफॉर्म मतलब कपड़े चाहे लोगों ने अलग पहने हो, उनके अंदर का बॉडी सबका एक जैसा ही है, सबकी हर एक की ब्रीथिंग सेम है ना। ठीक है, हर एक का हार्ट सेम जैसे वर्क करता है, हर एक का स्टमक डाइजेशन सिस्टम सेम होती है ना। ठीक है, चाहे बाहर से कितने भी अलग हो, अंदर से तो सारे सेम ही है। लाइक आर्स, हमारे जैसे ही, द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, आर ब्रदर्स सारे वर्ल्ड के लोगों को भाई बहन ही बोला है, जैसे हम जिस लैंड पर चलते हैं उसी लैंड पर वही चल रहे हैं अर्थ। ठीक है, चाहे वो समुद्र की वजह से अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग बड़े बड़े आइलैंड बोले तो वैसा ही है ना, सारे 7 कॉन्टिनेंट से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं नहीं, एक सूत्र दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं, वॉटर वेज से जुड़े हैं, सबके बीच में क्या आता है, सी ओशन आ जाता है, पर फिर भी है तो एक ही लैंड ना अर्थ ही। ठीक है, तो सेम लैंड पर सारे लोग चल रहे हैं, इन विच वी ऑल शेयर लाइफ, जहाँ पे हम सब लोग रहते थे। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वॉटर, हमारी तरह उन्हें भी सन वॉटर एंड एयर के बारे में पता है ना। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार, जैसे आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, जैसे हमारे यहाँ पे हार्वेस्टिंग होके हमें क्रॉप हार्वेस्ट होके फूड मिलता है, वैसे ही उन लोगों को ही मिलता है, फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट एंड वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार, जैसे हमने एसएस में देखा था ना वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वॉर की स्टारनेस मतलब भूखे, जैसे वॉर की वजह से हम भूखे हैं, वैसे वो भी थे, वर्ल्ड वॉर था तब सारे लोग को एक जैसी सिचुएशन ही थी ना। ठीक है, देर हैंड्स आर अर्स एंड देर लाइन्स वेर रेड रीड, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर होम, देर हैंड्स आर अर्स, उनके हाथ हमारे जैसे ही है, एंड इन देर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, इन देर लाइन मतलब जैसे हमारे हाथ की लाइन से लकीरें है वैसे ही उनकी है, और उनकी लकीरें भी हमें यही दिखाती है कि लेबर मतलब छोटे बड़े कोई नहीं होते, वो हमारे जैसे ही इंसान है। रिमेम्बर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप, उनके भी हमारे जैसे ही आंखें है, डेट वेक और स्लीप, जो हमारी तरह ही सुबह उठती है और सोती भी है। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ डेट कैन बी वन बाय लव, स्ट्रेंथ डेट कैन बी वन बाय लव, स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या बोला है पता है, एक दूसरी कंट्रीज को अगर हम प्यार से रहेंगे तो सारी कंट्रीज स्ट्रांग बन जाएंगी ना, तो स्ट्रेंथ को हम लव से स्प्रेड कर सकते हैं, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, स्ट्रांगनेस लव से जीती जाती है। इन एवरी हैंड इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, कोई भी लैंड आप ले लो, कोई भी कॉन्टिनेंट ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, ठीक है, इन कॉमन लाइफ दैट कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, सबकी लाइफ सेम ही है, सभी हमारी तरह खाना खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह काम पर जाते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो, कुछ भी हो, चाहे वो लेबर वर्क हो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, हाउसवाइफ हो तो अपने घर को संभालती है,
कोई भी काम तो करते हैं ना, ठीक है, तो सबकी लाइफ एक जैसी ही है। लेट अस रिमेम्बर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आर ब्रदर्स इट इज आर सेल्स दैट वी शेल डिसओपोज बिट्रे और कॉन्डेम। ठीक है, जब हमें बोला जाता है कि दूसरी कंट्रीज के लोगों को हेट करो, मतलब रिलीजियस, एक ही कंट्री में अलग अलग रिलीजियस के लोगों को भी हेट करना सिखाया जाता है ना, उसे यहाँ पे क्या बोला है, ब्रदर्स बोले, आपके भाई ही है। जब आपको ऐसा बोला जाए कि दूसरे रिलीजियस या तो दूसरी कंट्री के लोगों को हेट करना चाहिए, इट इज आर सेल्स दैट वी शेल दिस ओपोज, तो हमें सिर्फ हमारी खुद की जात को हमें ओपोज करना चाहिए, सामने वाले को नहीं। जब हमारे मन में ऐसी सोच आए ना कि दूसरे रिलीजियस के लोग है उसके साथ नहीं रहना चाहिए, उसे हेट करना चाहिए, तब वो छोड़कर हमें सामने वाले को नहीं, खुद को ही ओपोज करना चाहिए, बिट्रे और कॉन्डेम, मतलब कि सामने हमारी खुद को ही हमें ओपोज करके हमारी खुद की जात को ही हमें बिट्रे करना चाहिए, मतलब कि छोड़ देना चाहिए। ठीक है, रिमेम्बर वी वुड टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाई। जब एक दूसरे के सामने हम हाथ उठाते हैं ना, तो हम हमारी मदर अर्थ को ही डिफाई करते हैं, मतलब उसे ही धोखा दे रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोशंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन। जब हम हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज, जब हम हेल्स ऑफ फायर मतलब एक दूसरे के प्रति नारे लगाते हैं ना कि हमारा रिलीजियस अच्छा है, दूसरे का अलग है, दैट इज हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज, और आउटरेजियस डस्ट मतलब दूसरे के बारे में खराब सोचकर हमारे मन के विचार जो बाहर निकलते हैं, दैट इज डस्ट ऑफ आउटरेज, उसकी वजह से क्या होता है, द इनोशंस ऑफ एयर दैट इज ओ एवरीवेयर आर ओन। हम हमारी एयर की इनोशंस को ही बर्बाद कर रहे हैं, एवरीवेयर आर ओन, कहीं पे भी जाओ एयर हमारी खुद की है, एयर को कोई बांट सकता है? हवा गुजरात में से निकलकर पाकिस्तान में जाएगी तो कोई रोक सकता है? नहीं, क्योंकि एयर सब जगह सबकी है, ये मेरी एयर है मैं रख लेता हूँ, ये मेरी एयर है मैं रख लेती हूँ, हो सकता है ऐसा? नहीं। तो हम जब ऐसे गंदे विचार के हम बाहर निकालते हैं, तब हमारी एयर को ही हम क्या कर रहे हैं, गंदा बना रहे हैं, उसकी इनोशंस को हम मार रहे हैं। रिमेम्बर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। कोई मैन फॉरेन का नहीं है और कोई ही कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, सारे ह्यूमन है, सबको एक साथ मिलकर ही रहना चाहिए। ठीक है, ये है यहाँ पे, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 और उसकी पोएम खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर बाकी के लेक्चर में हम देखेंगे।